मजा क्या देखो। साहब नहीं उठ रहा, एक्टिंग कर रहा। अरे पानी मार रहे। उठ रहे, उठ उठ उठ, चल चल सोने आया तू, नाटक कर रहा। साहब बुला रहे, चल चल चल, वारा में गिरता, चल सीधा चल, हाथा मन हाथा मन। क्या हुआ साहब, ऐसे उठा के लाते मेरे को? सही बोल रहे, कब चोरी करा? मैं नहीं चोरी करा साहब। साहब कल लॉकर की बात कर रहा तो वहीं पर रखा होगा, कहाँ है तेरा लॉकर? कहाँ है तेरा लॉकर? सही में भी साहब, मैं नहीं चोरी करा साहब। गांधी जी का और चश्मा और घड़ी कहाँ है कि नहीं मालूम मेरे को। कौन सा बैंक है तेरा? सिंडिकेट बैंक, दरगाह ब्रांच। वो कुत्ता छाप। आओ साहब, चल वहीं जाएंगे। अरे चल चल बुड्ढे चल, आज तू नहीं छोड़। चल चल बता, बैंक दरगाह ब्रांच ये छे साहब, क्या है इसमें? चल साहब करने ले को, चल ला इधर, ला अरे नहीं साहब, इधर ला। अरे अरे बुड्ढे इधर दे दा साहब, साहब थर्ड डिग्री देते देख, फिर इधर आ तू साहब। ये था साहब, बैंक से मिला साहब। अरे ताबड़े उसको, मेरे वाली साहब। ए दूर, सीधा ठहर, सीधा ठहर, हाथ बंद, चल सीधा ठहर। सर क्या आप हमें और हमारे नाजरीन को यह बता सकते हैं कि यह हमसे आपको कहां से बरामद हुए? बहुत ही मुश्किल। एक आफरा, असल में ये वाकया ये एक अफवाह थी जिसकी वजह से अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। असल वाकया यह है कि दिल्ली म्यूजियम का जिम्मेदार ऑफिसर रुखसत पर गया था, इसी दौरान ये अफवाह फैली कि गांधी जी का चश्मा और घड़ी चुरा ली गई। इस इल्जाम में मौजूद सदर मुदर्रिस को हिरासत में लिया गया। मैंने वजीर दाखिले से दरख्वास्त की है कि मौजूद सदर मुदर्रिस को रिहा किया जाए, जिस पर कार्रवाई करते हुए वजीर दाखिले ने हमारे रियासत के वजीर आला से राब्ता किया है और उम्मीद है जल्द अज जल्द सदर मुदर्रिस की रिहाई अमल में आएगी। इस नई बात का खुलासा होने के बाद हमारी पुलिस और सियासतदान पर अफसोस होता है कि वो क्या कर रहे थे, शायद आदत के मुताबिक सो रहे थे या रिश्वत खाकर किसी बेकसूर को हिरासत में लिया था। इस बेकसूर सदर मुदर्रिस और उनके शागिर्द पर पुलिस स्टेशन में बहुत जुल्म हुआ, वो बेचारे चलने फिरने के काबिल नहीं है। सर अभी इंकशाफ हुआ कि गांधी जी का चश्मा और घड़ी साबरमती आश्रम में महफूज है, तो फिर आपने इस मौजूद सदर मुदर्रिस और उनके शागिर्द को किस इल्जाम में गिरफ्तार किया है? आप लोगों ने ही तो शहर भर में कोहराम मचा दिया था कि गांधी जी का चश्मा और घड़ी चोरी हो गई है, गांधी जी का चश्मा और घड़ी चोरी हो गई है। हमारे इंस्पेक्टर साहब ने जब तफ्तीश तफ्तीश करके जब चोर को पकड़ा, तब आप लोग तो बड़ी तारीफें कर रहे थे, बड़े वाहवाह कर रहे थे। आप लोगों को क्या हुआ? अब आप लोग हमसे ही सवाल करते हैं? या सुनिए, मीडिया को गैर जानिबदार होना चाहिए, जर्नलिज्म एक मुकद्दस पेशा है। आप जैसे नाम निहाद रिपोर्टरों ने सिर्फ अपने चैनल की TRP बढ़ाने के लिए इस पेशे का मजाक बना कर रख दिया है, जो कि निहायत ही नामुनासिब बात है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसी नीच हरकत करते हुए। जाइए पहले जर्नलिज्म का सही मतलब समझ कर आइए, फिर इस अजीम मैदान में कदम रखना। जर्नलिज्म कौम में इंकलाब पैदा करता है, ना कि तशद्दुद और फसाद बर्पा करता है। जाइए, चले जाइए आप लोग यहाँ से। सर और एक क्वेश्चन सर, प्लीज। नो मोर क्वेश्चन प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। तावड़े इन्हें यहाँ से निकालो। क्या यही है हमारा कानून कि सही तफ्तीश करने के बजाय हमेशा बेकसूरों को गिरफ्तार किया जाता है? क्या होगा इन बेकसूरवारों का, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे हमारा न्यूज चैनल अब तक। कैमरामैन यूनुस के साथ मैं रिपोर्टर नसरीन बेगम। इंस्पेक्टर साहब, आप उन दोनों बेकसूरों को माफ रिहा कर दीजिए। ताबड़े छोड़ दे रहे उन दोनों को। ओके साहब, आपकी कमिटमेंट में छोड़ रहा हूं साहब। चलो साहब बुला रहे, चल रहे बुड्ढे, चल साहब बुला रहे, चल। हजरत इन लोगों को सख्त से सख्त कड़ी सजा देनी चाहिए, बिला वजह इन लोगों ने आपको, आप इतने जईफ उम्र हैं, आपको इन्होंने तंग किया, बहुत परेशान किया, इन्हें सख्त से सख्त सजा दीजिए।
बिल्कुल सही बात किया आपने, लेकिन ये लोग की यही सजा है कि इन्हें माफ कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग ने अपने काम में बहुत जल्दबाजी की, बहुत उजलत की, जिसकी वजह से ये लोग को अपनी जिल्लत का सामना करना पड़ा। इनकी यही सजा है कि इन लोग को माफ कर दिया जाए। अरे हजरत, इन्हें कैसे माफ कर दिया जाए, इन्होंने तो आपसे माफी भी नहीं मांगी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनको माफ नहीं कर दूं। बेशक जरूरी है, गांधी जी का चश्मा और घड़ी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसे साथ ही साथ गांधी जी के जो नजरियात थे इंसानियत के खातिर, मसावात के खातिर जो नजरियात थे, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम में से हर एक इंसान गांधी जी के किरदार पर अपनी जिंदगी बसर करने को तैयार हो जाए, वो दिन दूर नहीं जो इस दुनिया का नंबर वन शहर बन जाएगा, एक मुल्क बन जाएगा। इनकी गलती यही है कि इन लोग को माफ कर दिया जाए और छोड़ दिया जाए। सही कहा आपने। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह गांधी जी के घड़ी और चश्मे को लेकर के प्रोपेगेंडा किया गया। इस मामले में हर कोई अपना उल्लू सीधा करने पर लगा हुआ था, चाहे वो हमारी पुलिस हो, या हमारे मुल्क के सियासतदान हो, या मुल्क की गैर जिम्मेदार मीडिया हो, या फिर कोई जिम्मेदार ऑफिसर क्यों ना हो, हर कोई सिर्फ अपना मफाद चाहता था। इन सब में एक आम आदमी कहाँ है हमें मालूम नहीं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यकीनन गांधी जी का घड़ी और चश्मा अहमियत का हामिल है, लेकिन मेरे दोस्तों, गांधी जी की घड़ी और चश्मे से ज्यादा गांधी जी की तालीमात अहमियत की हामिल है। जैसे गांधी जी ने मसावात की तालीम दी, बुरा न सुनने, बुरा न कहने और बुरा न बोलने की तालीमात दी, हसद बुग्ज जैसी बीमारियों से बचने की तालीमात दी। हम अपने आप में देखें, जब गांधी जी के घड़ी और चश्मे को खो जाने की बात हुई तो हर कोई खड़ा हो गया, लेकिन हम अपने आप में गांधी जी की तालीमात से गैर आशना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत अभियान की आवाज गूंज रही है। मैं जरूर कहूंगा कि यकीनन हिंदुस्तान की सफाई होनी चाहिए, लेकिन मेरे अजीजों, हिंदुस्तान की सफाई से पहले हमें अपने कल्ब, अपने दिल की सफाई करनी चाहिए। हमारे दिलों में कदूरतें हैं, बीमारियां हैं, हसद है, तकब्बुर है, बुग्ज है, इनाद है, हमें इन तमाम को अपने दिल से निकालना चाहिए। यही गांधी जी की असल तालीमात है, और याद रखें, अगर गांधी जी की इन तालीमात पर हमने अमल किया तो यकीनन हिंदुस्तान मुस्तकबिल में एक अजीम मुल्क की हैसियत से आगे आएगा। और इस ड्रामे का यही मकसद है, यही पैगाम है कि आप लोग छोटी मोटी गैर जिम्मेदार चीजों को छोड़ दें, कोई वजह हो जाती है सब खड़े हो जाते हैं, हम असल अपनी मलजा और मावा पर तवज्जो दें, असल तालीमात पर तवज्जो दें, सिलाए माशरा पर तवज्जो दें। यकीनन अगर हम गांधी जी की तालीमात पर अमल करेंगे तो हिंदुस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।